हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखने वाले हैं लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा नॉवल की। ये जो नॉवल है वो कोलंबियन राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केज की नॉवल है और ये एक नोबेल प्राइज विनर है। इस नॉवल में लव को कॉलरा के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे कॉलरा एक बीमारी होती है, वैसे लव भी एक बीमारी है ऐसा बताया गया है। तो स्टोरी में जो दो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका प्यार फुलफ़िल होता भी है, वो लोग एक दूसरे को मिल पाते भी है या नहीं, ये हमें नॉवल में बताया है। इट इज़ अ नॉवल रिटन इन स्पैनिश। तो एक्चुअली ये जो नॉवल है वो स्पैनिश में लिखी गई थी, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। पब्लिश किया गया था 1985 में स्पैनिश में। एडिथ ग्रॉसमैन्स इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉज पब्लिश बाय अल्फ्रेड ए नॉफ इन 1988। तो उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस नॉवल को 1988 में पब्लिश किया गया था। तो चलिए अब हम लोग मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है फर्मीना डाजा, फ्लोरेंटिना अरिजीजा ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन। तो फर्मीना जो है वो फ्लोरेंटिनो नाम के एक लड़के की ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन होती है, यानी फ्लोरेंटिनो फर्मीना को पसंद करता है एंड वाइफ ऑफ डॉक्टर अर्बिनो। फर्मीना की शादी हो जाती है लेकिन डॉक्टर अर्बिनो से। फर्मीना बहुत सुंदर है और इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर जुविनाल अर्बिनो, हाईली रिस्पेक्टेड वेल्दी डॉक्टर एंड हस्बैंड ऑफ फर्मीना डाजा। तो जुविनाल अर्बिनो एक डॉक्टर था और वो फर्मीना डाजा का हस्बैंड था। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लोरेंटिनो अरिजा, वो एक बिजनेसमैन होता है जो फर्मीना डाजा को बहुत पसंद करता होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरेंजो डाजा, फर्मीना डाजाज फादर, अ म्यूल ड्राइवर। ही डिस्पाइज्ड फ्लोरेंटिनो एंड फोर्स्ड हिम टू स्टॉप मीटिंग फर्मीना। तो लॉरेंजो जो है वो फर्मीना का फादर था, वो एक खच्चर चलाने वाला था, म्यूल को चलाता है वो। म्यूल एक एनिमल होता है और वो फ्लोरेंटिनो से नफरत करता है, इसीलिए वो कहता है कि उसे फर्मीना से मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ही इज़ रिवील्ड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन सम इलिसिट बिजनेस टू बिल्ड हिज फॉर्च्यून। और हमें नॉवल में बताया जाता है कि लॉरेंजो जो है वो कुछ इनलीगल बिजनेस किया करता था ताकि वो पैसे कमा सके। चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल आर फ्लोरेंटिनो अरिजा एंड फर्मीना डाजा। तो नॉवल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो फ्लोरेंटिनो और फर्मीना हैं। फ्लोरेंटिनो एंड फर्मीना लव फॉल इन लव इन देयर यूथ। तो अपनी जवानी में वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अ सीक्रेट रिलेशनशिप ब्लॉसम्स बिटवीन द टू विद द हेल्प ऑफ फर्मीनाज आंट एस्कोलास्टिका। तो फर्मीना की आंट की मदद से दोनों लोगों के बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। दे एक्सचेंज लव लेटर्स, और वो लोग एक दूसरे के साथ लव लेटर्स के थ्रू बातें किया करते थे। बट वंस फर्मीनाज फादर लॉरेंजो डाजा फाइंड्स आउट अबाउट द टू, ही फोर्सेस हिज डॉटर टू स्टॉप सीइंग फ्लोरेंटिनो इमिडिएटली। लेकिन जैसे ही फर्मीना के फादर लॉरेंजो को ये पता चलता है तो वो तुरंत अपनी बेटी को भी रोकता है और फ्लोरेंटिनो को भी रोकता है कि तुम लोग एक दूसरे को परस्यू मत करो, बंद कर दो ये सब। व्हेन शी रिफ्यूजेस ही एंड हिज डॉटर मूव इन विथ हिज डिसीज्ड वाइफ्स फैमिली इन अनदर सिटी। जब मना कर देती है फर्मीना, जब फर्मीना मना कर देती है तब वो अपनी बेटी फर्मीना के साथ अपनी डिसीज्ड वाइफ यानी फर्मीना की जो मम्मी है वो मर चुकी थी, उसकी मम्मी की फैमिली के साथ रहने के लिए वो लोग दूसरे शहर चले जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस फर्मीना एंड फ्लोरेंटिनो कंटिन्यू टू कम्युनिकेट वाया टेलीग्राफ। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद फर्मीना और फ्लोरेंटिनो एक दूसरे के साथ टेलीग्राफ के थ्रू बातें किया करते थे। अपॉन हर रिटर्न फर्मीना रियलाइजेज दैट हर रिलेशनशिप विद फ्लोरेंटिनो वॉज नथिंग बट अ ड्रीम। जब फर्मीना वापस लौट कर आती है तो उसे ऐसा रियलाइज होता है कि फ्लोरेंटिनो के साथ जो उसका रिलेशनशिप था वो बस एक सपना था, क्योंकि अब वो लोग बस स्ट्रेंजर्स की तरह एक दूसरे से बिहेव करते हैं, अनजानों की तरह। शी ब्रेक्स ऑफ हर एंगेजमेंट टू फ्लोरेंटिनो एंड रिटर्न्स ऑल हिज लेटर्स। तो वो अपना रिलेशनशिप तोड़ देती है फ्लोरेंटिनो के साथ और उसकी सारी चिट्ठियाँ भी लौटा देती है। अ यंग एंड अकम्प्लिश नेशनल हीरो डॉक्टर जुविनल अर्बिनो मीट्स फर्मीना एंड बिगिन्स टू कोट हर। उसके बाद डॉक्टर जुविनल अर्बिनो नाम का एक नेशनल हीरो फर्मीना से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। डिस्पाइट हर इनिशियल डिसलाइक ऑफ अर्बिनो, फर्मीना गिव्स इन टू हर फादर्स पर्सुएशन एंड
द सिक्योरिटी एंड वेल्थ अर्बिनो ऑफर्स एंड दे वेड। तो पहले तो वो अर्बिनो को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब बार बार उसके फादर कहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो, उसके पास इतने पैसे हैं, तब फर्मिना मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। अर्बिनो इज़ अ फिजिशियन डिवोटेड टू साइंस, मॉडर्निटी एंड ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। तो अर्बिनो एक डॉक्टर था और वो अपनी साइंस के प्रति बहुत ही समर्पित था। ही इज़ कमिटेड टू द इरेडिकेशन ऑफ कॉलरा एंड टू द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वर्क्स। तो वो जो है कॉलरा को मिटाना चाहता है और इसीलिए वो डॉक्टर का काम कर रहा होता है। तो कॉलरा तब फैल रहा होता है काफ़ी, और इसलिए भी नॉवेल के टाइटल में कॉलरा है। ही इज़ अ रैशनल मैन हुज लाइफ इज़ ऑर्गेनाइज प्रिसाइजली एंड हु ग्रेटली वैल्यूज इज इम्पोर्टेंस एंड रेपुटेशन इन सोसाइटी। तो वो एक रैशनल आदमी होता है जिसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है और वो अपनी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करता है सोसाइटी में। ही इज़ अ हेराल्ड ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन। तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न किस्म का इंसान होता है। इवन आफ्टर फर्मिनाज एंगेजमेंट एंड मैरिज, फ्लोरेंटिनो स्वोर टू स्टे फेथफुल एंड वेट फॉर हर, बट हिज प्रोमिस्क्यूटी गेट्स द बेटर ऑफ हिम एंड ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ अफेयर्स। तो जब फ्लोरेंटिनो को पता चलता है कि फर्मिना की एंगेजमेंट हो गई, शादी भी हो गई, तब वो कसम खाता है कि वो हमेशा फर्मिना के लिए फेथफुल रहेगा। लेकिन वो बहुत ही प्रमिस्कस कैरेक्टरलेस टाइप का लड़का होता है और उसके बहुत सारे अफेयर्स हो जाते हैं। इवन विथ ऑल द वुमेन ही इज विथ, ही मेक श्योर दैट फर्मिना विल नेवर फाइंड आउट। तो वो इतनी सारी औरतों के साथ होता है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है ताकि फर्मिना को ये सब कभी पता ना चले। Meanwhile, Fermina and Urbino grow old together, going through happy years and unhappy ones and experiencing all the reality of marriage. उसके बाद Fermina और Urbino जो हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं और एक मैरिज में जो भी अच्छा बुरा होता है उन सभी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। Urbino proves in the end not to have been an entirely faithful husband. तो Urbino भी एंड में पता चलता है कि वो फेथफुल नहीं था फ्लोरेंटिनो की तरह। कॉन्फेसिंग वन अफेयर टू फर्मिना मैनी ईयर्स इन टू देयर मैरिज। और वो फर्मिना को कहता है कि कैसे उसका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा था। दो द नॉवल सजेस्ट दैट अर्बिनोज लव फॉर फर्मिना वॉज नेवर एज स्पिरिचुअली चेस्ट एज फ्लोरेंटिनोज वॉज, इट ऑल्सो कॉम्प्लिकेट्स फ्लोरेंटिनोज डिवोशन बाई कैटलाइजिंग हिज मेनी ट्रिस्ट एज वेल एज अ फ्यू पोटेंशियली जेन्यून लव्स। तो नॉवल में एक यही कन्फ्यूजिंग चीज़ है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि अर्बिनो का जो लव है वो उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल लव नहीं था जैसे फ्लोरेंटिनो का था, लेकिन फ्लोरेंटिनो के भी बहुत सारे अफेयर्स होते हैं और कुछ जेन्युइन लव्स भी होते हैं उसके। तो एक्चुअली फ्लोरेंटिनो भी कितना ज़्यादा जेन्युइन था फर्मिना को लेकर ये हमें पता नहीं चल पाता। एज एन एल्डरली मैन अर्बिनो अटेम्प्ट्स टू गेट हिज पेट पैरेट आउट ऑफ हिज मैंगो ट्री। तो फाइनली जब अर्बिनो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने तोते को अपने एक आम के पेड़ से उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब वो सीढ़ियों से गिर जाता है और गिरकर मर जाता है। आफ्टर द फ्यूनरल फ्लोरेंटिनो प्रोक्लेम्स हिज लव फॉर फर्मिना वंस अगेन एंड टेल्स हर ही हैज स्टेड फेथफुल टू हर ऑल दीज ईयर्स। तो जब अर्बिनो का अंतिम संस्कार हो जाता है तब फ्लोरेंटिनो फिर से फर्मिना को बताता है कि कैसे वो हमेशा से उसे प्यार करता है और उसके लिए फेथफुल रहा है। असिस्टेंट एट फर्स्ट बिकॉज शी इज़ ओनली रिसेंटली विडोड एंड फाइंडिंग हिज एडवांसेस अनटॉवर्ड, फर्मिना कम्स टू रिकॉग्नाइज फ्लोरेंटिनोज विजडम एंड मेच्योरिटी। तो पहले तो फ्लोरेंटिनो के प्रति फर्मिना असिस्टेंट होती है, हिचकिचाती है क्योंकि अभी अभी वो विधवा हुई होती है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि फ्लोरेंटिनो काफ़ी होशियार है, मेच्योर है, और फिर वो उसे एक सेकेंड चांस देती है और बुढ़ापे में उनका जो प्यार है वो फिर से परवान चढ़ता है। दे गो ऑन अ स्टीमशिप क्रूज अप द रिवर टुगेदर। और फिर वो एक क्रूज में बैठकर, एक शिप में बैठकर रिवर की सैर करने जाते हैं। तो लास्ट में यही फिर हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो लोग जो है फाइनली एक दूसरे के प्रति फिर से कमिटेड हो जाते हैं और वहीं पे हमारी नॉवल एंड हो जाती है। सो आई होप आपको ये नॉवल समझ में आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।